तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HP LaserJet T1007 प्रिंटर के बारे में। काफ़ी बार एरर आई है, कमेंट भी आते हैं कि पेज जैम हो जाता है। तो पेज जैम की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है कि पेज जैम हो जाता है, कौन सा सेंसर वर्क नहीं करता है इसकी वजह से पेज जैम होता है। इसमें प्रॉब्लम है, पेज चलता है और कार्टेज के पास जाके रुक जाता है। उसके लिए वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण ढांडा वन मिनट सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो वीडियो में आगे बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं पेज लगा रहा हूँ, प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। ये देखिए, इसे बार बार फ्लैग को टैप करने से ये पेज टेस्ट पेज निकलता है इसका। ये देखिए, पेज यहाँ जाके रुक चुका है। अब दिखा देता हूँ मैं पेज कहाँ रुका हुआ है। देखिए, हम अपनी कार्टेज को निकालते हैं, सीधा ऊपर की तरफ खींच के। ये देखिए, ये पेज यहाँ आके एकदम से रुक चुका है। कार्टेज के पास पेपर जैम है, उसके लिए वीडियो बनाया गया है। दोस्तों इसके लिए एक तो पीछे जो वीडियो बनाया था वो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उसका। इसके एक प्रिंटर के पीछे एक सेंसर होता है, उसकी वजह से रुकता है। और दूसरा ये है कि ये जब ये प्रिंटर है, इसका पेज रुकने का मेन कारण कार्टेज का फ्लैप है। ये देखिए, जो फ्लैप है, काफ़ी बार फ्लैप कार्टेज के साथ ही डल जाता है, खुल नहीं पाता है, इसी वजह से पेपर जैम भी हो जाता है। ये देखिए, इस फ्लैप को मैंने ऊपर कर दिया। ये देखिए, ये फ्लैप है, इसको ऊपर कर दिया। आप पेपर निकालेंगे तो कम्प्लीटली आपका पेपर ऊपर से निकल के फ्यूजर फंक्शन से बाहर आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल वन मिनट सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। ये देखिए, पेपर बाहर आ चुका है। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।